आप लोग भीड़ नहीं लगाएंगे। मैं ग्राम को बाद में पाबंद करूंगा, पहले आपको पाबंद करूंगा और कार्रवाई आपके खिलाफ करूंगा। बेच भी हम मना नहीं कर रहे हैं आपको सामान बेचने की, लेकिन दुकान पे एक तो आपको खुद को मास्क लगाना है और दूसरी चीज कोई भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी बिना मास्क के आपकी दुकान पे सामान लेने आता है उसको सामान मत दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, बाबा आप मत निकलिए, आप बुजुर्ग, आपको नहीं निकलना चाहिए घर से। सुना आपने, एक तरफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के पुलिस कप्तान शिवहरि मीणा जो खुद सड़क पर उतरकर लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दे रहे हैं, यूं कह लें कि हिदायत पर अमल ना करने वालों को परिणाम भुगतने का फरमान सुना रहे हैं। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, सत्ता से जुड़े सुल्तानपुर के नेताओं पर ना तो सरकार का और ना ही पुलिस कप्तान के फरमान का कोई असर है। सरकार में है इसलिए डर किसका? जिन पुलिस वालों को कार्रवाई करनी है वो खातिरदारी में जुटे हैं। हद तो ये है कि भीड़ के बीच खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी हैं। दरअसल सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का दौरा था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में सत्ता का रंग चढ़ा था। किसी की क्या मजार जो मनमानी पर रोकने और टोकने की हिम्मत कर सके। फिलहाल मीडिया ने सत्ता पक्ष की बेअंदाजी को लेकर प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह से सवाल कर ही लिया। मंत्री जी ने जवाब में क्या दिया आप खुद सुनिए। महाराज को ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो आप लोग कहीं खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, आप लोग भी तो यही खड़े हैं, आप लोग पूरे साथ में सब खड़े हुए हैं, हम लोग दूर हैं, ये तो दूर है। आप लोग देखिए आप लोग कितने नजदीक से खड़े हैं। अच्छा इनमें कौन मजबूरी है? सर एक बात बड़ा सर, क्या बात जाना है, गमछा लीजिए, पीपी मत खरीदिए, सबसे आसान है इस तरह का कपड़ा का बना लीजिए तो बिल्कुल आसान है, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या दुख है? हाँ मगर पत्रकार को अपनी सुविधा करना है। ये था स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का जवाब। उन्होंने मीडिया कर्मियों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कोरोना जैसी महामारी को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर आखिरकार मंत्री जी का जवाब कहां तक सही है? हमारी राय है अगर मीडिया कर्मी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो मंत्री जी को उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो संवैधानिक पद की मर्यादा से बंधे हैं। भाजपा से जुड़े नेता हो या पत्रकार, सब पर नियम कानून बराबर लागू होते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।